want our right. We want our right. We want resettlement. We want resettlement. No more silence. नई दिल्ली UNHCR ऑफिस के सामने उठ रही ये आवाज़ें भारत में रह रहे अफगानिस्तानी शरणार्थियों की हैं। UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी एक वैश्विक संगठन है जो कि युद्ध और आपदा के चलते अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है। हालांकि 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भारत की राजधानी में जमा हुए लोगों का कहना है कि UNHCR अभी तक उनको बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम रहा है। सब लोग बेसरपरस्त हैं, सब लोग मजबूर हैं, सब लोग मुश्किलात में, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अगर उन लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं, किसी जगह में उसको बच्चों को नौकरी कुछ भी नहीं देते हैं, तो बंदी कहा जाए। घर मकान मालिक घर नहीं देते हैं, कहते हम आपको मकान किराए पे नहीं देंगे क्योंकि आप सेटलमेंट नहीं है। तो ये बेचारे कहाँ जाए, रोड पे बैठे या किसी पार्क में बैठे। अभी आप लोगों का पता है कि हमारे मुल्क की हालत कितनी खराब है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ से भी हम लोगों को लिए प्रॉब्लम है, अभी काम नहीं है, बच्चे जॉब नहीं कर सकते, स्कूल फीस पूरा नहीं कर सकते हम लोग। अभी मैं रास्ते में थी, स्कूल वालों ने फिर फोन किया मुझे मेरे बच्चे के फीस के लिए, पर मैंने उसका उठाया भी नहीं। तो अगर इन्होंने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ना, तो हम लोगों के लिए कुछ करे ना, तो हम कब तक कैसे रहे। हमारा मेन डिमांड इंडिया के गवर्नमेंट से नहीं है, हमारा मेन डिमांड UNHCR से है कि हमने हमारे जो मेन बेसिक तीन डिमांड्स है, फर्स्ट सपोर्ट लेटर, सेकंड जो क्लोज केसेस है और जिनको स्टैंप लगाया जा रहा है बहुत टाइम से, 5 साल का स्टैंप लगाते हैं फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। हमें इस चीज़ का आंसर चाहिए कि ये लोग जब इनको रिजेक्ट करना ही होता है तो 5 साल का स्टैंप लगा के बंदे का एक वीज़ा एक्सपायर करवा के क्यों वेट करवाते हैं। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर इन शरणार्थियों के लिए UNHCR का ये बर्ताव खासी परेशानियां खड़ा करने वाला है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इंडिया का UNHCR का सिस्टम इतना बुरा है, और अगर ये चीज मुझे पता होता शायद मैं पहले से कोई दूसरा जगह चूज कर देता। मगर मैं सोचा कि शायद UNHCR ऑफिस है, शायद ये लोगों को हेल्प कर रहा है, जो UNHCR का कानून रूल जो है पूरा दुनिया में एक ही है, मगर इंडिया में बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट। प्रॉब्लम ये कि लोग कभी सुनता ही नहीं और बिल्कुल एक तरह से बोलो कि बदमाशी कर रहे हैं लोगों के साथ, बात नहीं सुनते न खुद कानूनी जवाब देते हैं। आप 10 दिन से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी UNHCR ने प्रदर्शनकारियों से अभी तक कोई बात नहीं की है, जिससे कि लोग काफी नाराज हैं। कल पूरे दिन बारिश में भीग गए, 3-4 हमारे इधर बेहोश हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन हम लोग छोड़ा नहीं है, क्यों छोड़ेंगे। अभी सबका सब्र का इम्तहान खत्म हो गया है, अब बस जो भी हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ से नहीं आतेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिन में तो ज्यादा होते हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन रात के टाइम भी तकरीबन 400-500 लोग यहाँ पर रहते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम हमारा कुछ अफगानी लोग है जो आपस में पैसे बांटते हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठा करके, करबला मस्जिद है वहाँ पर चावल या कुछ सब्जी वब्जी लेके जाते हैं, वहाँ पर खुद बना के लेके आते हैं, यहाँ पर लोगों को हेल्प करते हैं आपस में, लेकिन बाहर किसी का हेल्प नहीं है हमारे साथ। हमें या कहीं भेज दे या हमें इधर घर का किराया खर्चा ये सब दे दे हमें। वो बच्चे का स्कूल फीस कितना होता है आपको मालूम है ना, लेकिन इधर सपोर्ट नहीं करता है UNHCR, कुछ भी नहीं करता है। Thank you.